गगन में होती जैसे तारों की झिलमिल। ये है नवसाक्षर में दिल, ये है नवसाक्षर में दिल, ये है नवसाक्षर में दिल, ये है नवसाक्षर में दिल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको भोजन और स्वास्थ्य इन दोनों विषयों पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। और हाँ, इसके लिए हमने अपने सतत शिक्षा केंद्र में डॉक्टर प्रतिभा गोयल को भी आमंत्रित किया हुआ है। भैया मनीष, तुमने डॉक्टर साहब को गांव में बुला के बहुत ही अच्छा काम किया है। भैया मुझे उनसे बहुत बहुत जरूरी बात पूछनी है। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, मैं अपने भाइयों बहनों की ओर से सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम लोग संतुलित भोजन कहते किसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, और ना सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने जीभ को स्वाद दें। भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अरे राम जी भला करे आपका, यो बात तो आप ठीक कहो, पर खाना ना खावे तो पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। जो हमारा भोजन है वो हमारी भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट में जाता है, और वहां की मांसपेशियां ही उस भोजन का मंथन करती हैं। उसके बाद अन्य पाच्य रस बनते हैं जिन्हें हम बाइल या फिर गैस्ट्रिक भी कहते हैं। और भी तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को सुपाच्य बनाते हैं। जब रक्त के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अन्य भागों एवं मांसपेशियों को पहुंच जाता है, तो जो अशुद्ध रक्त बचता है वो हमारे हृदय में वापस भेज दिया जाता है, वो जो रक्त की नलिकाएं और छोटी कैपिलरीज होती हैं उनके द्वारा। और फिर हृदय से यह रक्त हमारे फेफड़ों में भेज दिया जाता है वापस, और फेफड़ों से दोबारा इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, ये फेफड़ों में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फेफड़ों में सांस आती है आपकी नाक से, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। इसीलिए इस जीवन युक्त वायु को ऑक्सीजन वायु कहते हैं, और यही प्राण वायु पुराने जमाने में जो योगी लोग थे अपने फेफड़ों के अंदर भर कर अपने पूरे शरीर को लोहे जितना मजबूत बना लेते थे। हाँ, भाई लोगों, हमने तो अक्सर देखा ही है कि योगी लोग कितने सुंदर तरीके से प्राणायाम करते हैं। जी भैया, और देखो प्राणायाम जो है वो सांस को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावपूर्ण क्रिया है। अब हम लोग आते हैं उसी कहावत पर। कौन सी कहावत डॉक्टर साहब? यही कि खाओ जीने के लिए, ना कि जियो खाने के लिए। खाना हमारे जीवन के लिए जरूरी जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बकरी की तरह जब हुआ चबाते ही जा रहे हैं, चबाते ही जा रहे हैं। समझे आप? भोजन हमें जीवित रखने के लिए जरूरी जरूर है, मगर सिर्फ खाना खाना ही हमारे जीवन का एक मकसद नहीं बन जाना चाहिए। राम जी भला करे डॉक्टर बहन, अब मुंह बांधे तो बैठा ना जावे है। अब जो ये बच्चे हैं ये तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहे हैं। बहन जी, मैं मुंह बांधने या खाना ना खाने की बात नहीं कर रही। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बच्चों को अपने विकास के लिए, शरीर की बढ़ोतरी के लिए कुछ ना कुछ खाते जरूर रहना चाहिए ताकि सेहत बने, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज उठाकर खा ली। आप ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि एक सही दिनचर्या के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितनी बार खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए? हाँ, भाई ये बात तो हमारे सारे साथी जानना चाहेंगे। देखिए राधा जी, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम दिन में 4 बार खाना चाहिए। अच्छा, 4 बार खाना चाहिए? यानी कि हर 4 घंटे पर कुछ न कुछ लेते रहिए। जैसे सुबह 8 से 8:30 बजे तक नाश्ता, और फिर 12 से 1 बजे तक भोजन जिसे लंच कहते हैं, और उसके बाद शाम के समय 4 से 5 बजे फल बिस्किट और चाय पी सकते हैं। और फिर दोबारा 8 बजे यानी रात के वक्त आप अपना भोजन दोबारा लें, यानी कि जिसे डिनर कहते हैं। पर आप ये बताइए कि आपके हिसाब से नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए? ये तो ज्यादा राधा बहन, नाश्ता जैसा भी उचित हो अपने अनुसार बनाना चाहिए। अब जैसे हमारे किसान तो सादा पानी और मिस्सी रोटी और उस पर छाछ या मिठाई पीकर रह जाते हैं,
मगर नाश्ता चाहे जो भी हो सेहत से संपूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ भाई लोग हमारे सुबह उठ के नहीं खाते या उन्हें खाना खाने की सुबह आदत नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए अगर उन लोगों को भूख नहीं लगती सवेरे यार तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अच्छा, या तो रात का खाना बहुत देर से खाया है, या तो कुछ ज्यादा ही मसालेदार चीज खा ली है, या तो तेल से भरा हुआ खाना खा लिया है, या एक आखिरी समस्या ये हो सकती है कि वो कब्ज का मरीज हो सकता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है। वरना आप खुद ही सोचिए, रात के भोजन के बाद सवेरे के भोजन यानी 8 और 8 बजे के बीच में 12 घंटे का फर्क होता है। हाँ। तो इतनी देर में आपका जो पेट है वो पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए और आपको भूख बिल्कुल ही लगनी चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल बात आपने ठीक। डॉक्टर साहब कभी कभी तो मेरा घर वाले से झगड़ा हो जावे है, वो तो गिन के 4 रोटियां मट्ठा देवे है और मुझे लगे है कि मैं 1-2 रोटी और खा लूं, तो क्या ये ठीक है? इसका मतलब आपका हाजमा बहुत ही अच्छा है। वैसे भी जो लोग मेहनत मशक्कत करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उन्हें कब्ज की शिकायत कभी नहीं होती। अरे राम जी भला करे आपका। अरे यो कब्ज तो शहरी बाबुओं को सतावे है जो 2400 घंटे कुर्सी पे चिपके रहे हैं और उस पे हुक्म चलावे हैं। अरे सब्जी लेने जावे तो स्कूटर पे जावे, स्कूटर ना मिले तो साइकिल पे जावे। कि जो लोग ज्यादा काम करते हैं दिमाग का, उनके लिए बेहतर यही है कि वो हल्का भोजन करें पुष्ट रहने के लिए, जैसे दूध दलिया खिचड़ी, ये इनके लिए ठीक रहेगी। और उन लोगों को खासतौर पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सलाद को अधिक मात्रा में खाएं। हर इंसान को बच्चों की तरह भूख लग सकती है, बशर्ते उसका खाना पीना और आहार विहार बिल्कुल ठीक ढंग से हो और वो खुश रहना सीखे। आप हमारे साथियों को दोपहर के भोजन के बारे में भी कुछ बताएं। दोपहर का भोजन किस तरह से संतुलित हो सकता है? ये बात मनीष जी आपने बहुत ही अच्छी पूछी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत विद्वान और पढ़े लिखे लोग भी संतुलित भोजन से वंचित रह जाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए स्वाद एक अलग चीज है और संतुलन एक अलग चीज। बिल्कुल ठीक। भोजन के मामले में हम इतना समझ लें कि प्रकृति के जितना ही करीब और नजदीक रहें उतना ही अच्छा। इसका तो ये मतलब हुआ कि हम लोगों को जंगल में जाकर नदी के किनारे पे रहें। जी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रकृति से जो भी चीज जिस रूप में मिले हम उसी रूप में उसका सेवन करें। समझे रामू काका? जैसे फल फूल खामखा हम उसे पकाकर गरिष्ठ बना देते हैं। ये बात हमें जरा खोल कर समझाइए, हमारे साथी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए भोजन के लिए सबसे आवश्यक ये है कि उसमें सलाद जरूर होना चाहिए। सलाद में आ जाता है गाजर, मूली, टमाटर, शलगम, चुकंदर इत्यादि, जो हमारे शरीर में जाकर हमारे पूरे नियम को बनाते हैं और कब्ज जैसी जो शिकायतें लोगों को होती हैं अक्सर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। पर इन सभी चीज़ों को खाने से पहले एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि साफ सफाई ज़रूर रहे। बगैर साफ करें इन्हें ना खाएं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है एक प्याज उठाई एक मूली उठाया और बस खा लिया और हो गया, ऐसा नहीं, इन्हें साफ कर कर ही खाएं, क्योंकि कब्ज जो है पूरे शरीर के नियम को बिगाड़ देता है। इसलिए ऐसी बीमारी से दूर रहने के लिए सलाद खाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहिबा आप ऐसा संतुलित आहार बताएं जो खर्चीला भी ना हो और पौष्टिक भी हो। देखो राधा, खाने में हमारे घर में आमतौर पर रोटी चावल कढ़ी जो भी बनता है वो बहुत ही सुपाच्य और स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगर हम हफ्ते में 1-2 बार चटपटा खाना भी खा लें तो भी कोई बात नहीं, परंतु इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि डीप तली हुई चीज़ें या मसालेदार चीज़ें ना ही खाएं। और अगर सोने से पहले आपने छाछ या मट्ठा पी लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये भी अच्छा रहेगा अगर मीठे में चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब और मांसाहारी लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? मांसाहारी लोगों को अंडे मछली और चिकन पर निर्भर अधिक रहना चाहिए, क्योंकि ये वो सब खा सकते हैं और उसी से सेहत अपनी बना सकते हैं। पर उन्हें इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि अधिक चिकनाई वाली चीजें और अधिक मसालेदार चीजें इन सब चीजों से दूर ही रहें। तो डॉक्टर साहब सारांश ये निकला कि हमें अपने खाने में सलाद का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और हाँ हरी सब्जियाँ जैसे घिया तोरी टमाटर मटर करेला जो भी मौसमी सब्जियाँ हों इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें।
और हाँ एक बात और कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे दही पनीर आदि से हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति अपने आप होती रहती है, क्यों जी? और एक और बात, जब भूख लगे तो आधी या एक रोटी कम ही खाएं, तो इससे आप सभी सुखी रहेंगे। हाँ। और हाँ, दालें भी साबुत ही खाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि वो स्वादिष्ट होती हैं और पौष्टिक होती हैं। अरे राम जी भला करे डॉक्टर जी, आप तो हमें यो बता दो कि पानी कब और कितना पीवे। तीजन भाई, आपने ये बहुत ही अच्छी बात पूछी। आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि खाने के बीच में ढेर सारा पानी पी लेते हैं। अब इससे ये होता है कि खाने को हजम करने में मुश्किल आती है। खाने के फौरन बाद ना, मगर कम से कम 1-1.5 घंटे बाद रुककर आप हर खाने के बाद पानी पी सकते हैं। और भी अच्छा तब होगा कि जरा आनंद लेकर धीरे धीरे पानी को पिए। इसमें एक बहुत ही बारीक बात है, यानी जल को हमें उसी तरह से धीरे धीरे घूंट भर भर के पीना चाहिए जिस तरह हम अपना भोजन धीरे धीरे ग्रहण करते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, सांझ के वक्त में जब 4-5 बजे हमारे पेट में चूहा दौड़न लगे हैं, तो वह वक्त में हम चना वना खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। अब आप ये बात बताओ कि यह बात ठीक है का? चना चबाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रक्त का प्रभाव बढ़ता है जिससे कि हमारे दांतों और मसूड़ों की अच्छी दशा बनी रहती है। डॉक्टर जी आप तो यो बताओ कि हम सब खाने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें। हरी सब्जियों के अलावा फलों में आम अनार मौसमी सभी बहुत ही उपयोगी हैं। सेब में खासतौर पर विटामिन सी और कैल्शियम की मात्रा अधिक है। पीले फल जैसे पपीता है, उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है। गाजर में विटामिन ए बहुत है। आंवला चाहे हम किस भी रूप में लें, उसमें विटामिन सी डी और कैल्शियम की मात्रा अधिक है। जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों के लिए और जिगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। डॉक्टर साहब क्या महंगे फल ही फायदेमंद होते हैं? जी नहीं, ये तो वहम है। मौसमी फल कहीं ज्यादा उपयोगी और लाभदायक होते हैं, जैसे कि अमरूद, जो कि सेब से कहीं ज्यादा सस्ता भी होता है और साथ ही साथ उससे कहीं बढ़कर उपयोगी भी होता है और फायदेमंद भी होता है। और भी कई तरह के मौसमी फल जैसे जो सस्ते होते हैं, जैसे बेर, बेल, जामुन, खरबूज, तरबूज, ये सभी प्रकृति के द्वारा हमारे लिए एक वरदान ही तो हैं। हमें इनका भरपूर सेवन करना चाहिए। अरे हाँ डॉक्टर साहिबा, मेरे मामा जी करेले को बहुत उपयोगी बताते हैं। बेशक, मधुमेह के लिए तो करेला एक बहुत बड़ी काट है, एक एंटीडोट है। डॉक्टर साहिबा अब ऐसा कुछ बताइए जिससे बच्चे बूढ़े जवान सभी स्वस्थ रहे। देखिए राधा जी, स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, स्वास्थ्य और अच्छी सेहत का सबसे अच्छा मंत्र यही है, समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर सो। भूख लगने पर मौका बर मौका कभी भी कुछ भी खा लेना, वो भी बगैर मुंह हाथ धोए, जहर का काम करता है। बहुत ठीक डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि अपनी सेहत और उम्र के अनुसार बाहर निकलकर खुली हवा खानी चाहिए और वर्जिश करनी चाहिए। अगर कड़ा परिश्रम किया हो तो बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लेना या फिर लेटकर विश्राम कर लेना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब यू बात आपने बहुत अच्छी बताई भाई, विश्राम भी बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी मंत्र है ढेर सारा विटामिन एच खाना। भला यो कौन सा विटामिन हुआ? विटामिन एच यानी हंसना, यानी हैप्पीनेस, ढेर सारी हंसी। अन्न है होता
आखिरी सूचना और कि हम लोग कल सुबह मिलेंगे पार्क में और वहाँ क्या सीखेंगे? सूर्य नमस्कार। प्यारे गांव वासियों, माता और बहनों, ये सूर्य नमस्कार जो है सुबह सुबह जब सूर्य भगवान की किरणें लाल रंग की सफेद ना हुए, सूर्य भगवान की तरह मुंह करके और इस व्यायाम को करना चाहिए। सूर्य व्यायाम में 12 अवस्थाएं हैं। चूंकि सूर्य भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन इन 12 अवस्थाओं पर एक एक नाम लेकर के योग अभ्यासी एक एक पोस्टर करता, एक एक आकृति बनाता है और हर आकृति में एक आसन बनेगा, इसलिए योगियों ने इसका नाम दिया योगिक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से वक्षस्थल की मांसपेशियां सुंदर होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत ही अच्छा फायदा है। गुरुजी, एक बात बताओ गुरुजी, जे तुम्हारा सूरज नमस्कार जो है वाके करवे ते जे मटका से झेंद चिढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक पूछा इन्होंने, बैठ जाइए। अभी हमने आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाया नहीं, अभी सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा बताया है। अब हम आपको दो पोस्टर, दो इसकी जो अवस्थाएं हैं दिखाऊंगा। हमको लगता है इन्होंने पहलवानी ज्यादा की है और छोड़ देने से क्या हुआ, पेट बाहर आ गया, भोजन नहीं छोड़ा, पहलवानी छोड़ दी। ये बताओ गुरुजी, हाँ? कि हम लोग तो स्त्रियां हैं, हाँ? तो क्या हम लोग हमेशा मतलब हर रोज ये कर सकते हैं? बड़ा अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा। हमारे भारतवर्ष के योगियों ने महिलाओं को भी बताया कि व्यायाम करेंगी, आसन करेंगी और योगिनियां हुई हैं। गुरुजी, आपने हमें सूर्य नमस्कार की जितने सुंदर हमारे शरीर के लिए उपाय हैं बताए हैं, अब हमें ये बताइए कि सूर्य नमस्कार हमें कैसे करना चाहिए। मैं आज उसी सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगा। नमस्कार है, खड़े हो जाएं। सूर्य भगवान को प्रार्थना करने के लिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए और एक मंत्र का उच्चारण करिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आंखें खोलिए, सामने देखिए, जब मैं बोलूंगा एक तो श्वास खींच के दोनों हाथों को उठाते हुए पीछे जाएंगे। एक, जाइए पीछे, दो, आगे झुकिए, सिर घुटने के पास ले जाइए, तीन, बायां पर पीछे ले जाइए, बायां, सामने देखिए, बहुत सुंदर, हाथ उठाएंगे चार पर, चार, बहुत सुंदर, पांच, हाथ जमीन पर, आगे का पांव पीछे, पीछे का पांव आगे कर लीजिए, छह, आराम से उठाइएगा, गिरिएगा नहीं भाल, सात, फिर हाथ उठाइए, बहुत सुंदर, आठ, अरे वाह, दोनों पैर मिला दीजिए पीछे, दंड की स्थिति बनाइए, नाइन बोलूंगा, दंड लगाएंगे, आसमान को देखेंगे, नाइन। आजकल गांव में भी शहरों की तरह सुबह सुबह का नाश्ता जो है बिस्कुट और चाय होता जा रहा है, जिससे बहुत सारी जो है बीमारियां अपने आप आने लगती हैं। इसलिए गांव का सबसे बढ़िया सुबह का भोजन, अभ्यास करने के बाद का भोजन मैं आपको बताता हूं, वही आप अपने भी लीजिए और अपने बच्चों को भी देने का प्रयास करिए। आप थोड़ा सा चना अंकुरित कर लीजिए मूंग डाल करके उसमें, और उसको जब अंकुरित हो जाए तो थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद में आधा घंटे के बाद में उस अंकुरित भोजन को लेने के बाद आप
गांव में दूध मिल जाता है हर घर गांव में, इसलिए थोड़ा सा 250 ग्राम आधा किलो जितना दूध संभव हो सके अमृत भोजन लेने के बाद में आप लेने का अभ्यास करें, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इससे बढ़िया और इससे सस्ता भोजन कोई भी नहीं हो सकता। हमारे योगियों ने कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग ही बहुत दुखहा। यदि आपका आहार परिमित है, मिताहार है, अल्प भोजन ले रहे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया चीज माना गया है। आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए चाहे जैसा भी भोजन करें, हमारे योगियों ने कहा है आधा भाग भोजन का अन्न से भरें, पेट का आधा भाग अन्न से भरें, तीसरा भाग पानी से और एक भाग छोड़ दीजिए हवा आने जाने के लिए। अगर आप ऐसा अपनाते हैं, इसी विधि के द्वारा भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे। जी हम यो पूछना चाहे कि हमारे गांव में जो धनी राम है ना, उसकी बहू के छोरा हुआ और वह होते ही मर गया और ऐसी दो तीन औरतन के साथ हुआ, तो डॉक्टर निशा में यू पूछना चाहूँ कि ऐसा क्यों होवे? अरे जिसका बच्चा होवे और होते सर मर जावे। जब बच्चे पूरा समय के पहले पैदा होते हैं, जब कमजोर पैदा होते हैं, तुरंत ही अस्पताल पहुँचा देना चाहिए इनको। जब ऐसा भी होता है जब माँ के पेट में जब बच्चा है टेटनस का टीका नहीं लिया हो, तो वो लेना आपको जरूरी है। फिर जब बच्चे होने में देरी लगते हैं, तब बच्चे कभी पेट में टट्टी करते हैं, बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो तुरंत ही ऑक्सीजन नहीं देने से बच्चे मर जाते हैं। और जब बच्चे पेट में कभी पानी पी लेते हैं तो सक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ये सक्शन करना जरूरी है, इसी कारण से भी बच्चे का मौत हो सकता है। अब जी देखो डॉक्टर ने जी कि हमारे गाँव में कितनी औरतें बच्चा जनते ही गुजर जाते हैं, अब आप ये बताओ कि ऐसा का किया जाए कि सारी जनानी सलामत रहे। जब महिलाओं को ये पता चले कि उनके पेट में बच्चे हैं, उनको हर महीना अस्पताल में आकर या कोई मैटरनिटी होम में जाकर अपना चेकअप कराना जरूरी है। जैसे उनका ब्लड प्रेशर चेकअप कराना और वेट लेना सबसे जरूरी है, और जो खून की जांच या पेशाब की जांच बोले वो भी करना जरूरी है, और टेटनस का दो टीका है 4 या 5 महीने में एक एक महीने के अंदर लेना है, वो लेना भी सबसे जरूरी है, और जो खाना पीना का ध्यान रखना भी जरूरी है, इससे महिलाओं का मृत्यु दर कम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर जी आप ये बताओ कि जो गर्भवती औरतन हो गए उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखे ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुखी, कोई दिक्कत वाली बात ना आए। बच्चा जच्चा सुखी रहने के लिए जैसे मैंने पहले बताया, जब बच्चा पेट में है आवृतों को चाहिए कि हर महीना किसी अस्पताल या मैटरनिटी होम में जाकर हर महीना चेकअप करावे, और महिलाओं को जब गर्भवती है तब कोई बीमारी पड़ जाते हैं तब डॉक्टरों की सलाह से ही कोई दवाई लेना चाहिए, कोई अंडरसंड दवा उनको नहीं लेना चाहिए। जब बच्चा घूमते उनको हमेशा महसूस करना चाहिए, जब बच्चा नहीं घूमे तब भी उनको अस्पताल जाना जरूरी है। जब बच्चा पेट में है महिलाओं को संतुलित भोजन लेना बहुत जरूरी है, जैसे प्रोटीन विटामिन सब लेना इनके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए भी आप डॉक्टरों की सलाह लेना है। हमारे गांव में तो सारे बाला घर में ही है, जहाँ में घर की जनानियां ताई आई बच्चा कर ले, और अभी पिछले महीने मेरे पोता हुए और भगवान की तरह से तंदुरुस्त है घर में, तो यहाँ लाने का जरूरी है क्या सभी? ये कोई जरूरत नहीं है कि अस्पताल में लेकर आए, लेकिन सलाह लेना हमेशा अच्छा रहता है, और जब बच्चे पैदा होते हैं सही तरीके से अगर करे तो अच्छा है। जैसे बच्चों का नाड़ काटने के लिए जब ब्लेड का उपयोग करते हैं तो वो यूज किया हुआ होना नहीं है, तो नया नया लेना जरूरी है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। और टेटनस का टीका गांव में भी लगता है, तो आप गांव में भी जाकर टेटनस का टीका लगा सकते हैं। डॉक्टर जी एक बात और बता दीजिए, बच्चा तंदुरुस्त रहे इसके लिए बाप को क्या करना पड़ेगा? बच्चा तंदुरुस्त रहने के लिए बाप को जब भी बच्चा पेट में है तभी अपनी आवृत को अस्पताल में लाकर उनके चेकअप करावे, सही ढंग से दवाइयां दिलाए, जब उनको दर्द शुरू होते समय पर अस्पताल पहुंचाए, और जन्म के बाद भी माँ और बच्चे को सही ढंग से भोजन और दवाइयां जो खुराक देना है वो दिलाना बाप का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। बच्चों को बीमारी से बचाना, समय से इनको टीके लगाना, अपने बच्चों को बीमारी से बचाना, समय से इनको टीके लगाना।
हमारे बच्चों को बीमारी से बचाना समय से गलगोटू और काली घासी बच्चे बड़े की जान की प्यासी बच्चों तारा